पहली बार देख रहे हैं कि कोई गुनाह करके भी अपने आंख नीचे नहीं कर रहा है। और हम भी पहली बार देख रहे हैं कि कोई प्यार करके भी भरोसा नहीं दिखा रहा। बंदूक छोड़ा लखन, ओम हटना बीच से, हट हट। साला अगर कोई बीच में आया ना आज तो गोली मार देंगे। नहीं लाखन भैया, पूनम भाभी ने कोई गुनाह नहीं किया। गलती तो हमसे हुई है। गुड्डी बस भाभी बहुत हो गया, अब हमें बोलने दे दीजिए। तुम्हें मार डाली कल रात हम बाहर गए। एक लड़के से मिले। हमारे कॉलेज का एक लड़का है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ था। तब उसी को समझाने गए थे और पूनम भाभी हमारे पीछे इसलिए आई थी ताकि वो हमें उससे बचा सके। और वो कंगन, उस लड़के ने हमारा हाथ पकड़ लिया था और पूनम भाभी हमारा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो उसी हाथापाई में वो गिर गया होगा। और ये इतने देर रात जाने का परमिशन किसने दिया तुम्हें? मर गए थे क्या हम? हमसे नहीं कर सकती थी? अगर हम आपको बताते तो आप उसे मार डालते और हम किसी के खून कह सकते, अपने सर पे लेके नहीं जीना चाहते थे। तो कल रात का ही नहीं बताया हमें ये सब? क्योंकि पूनम भाभी को लगा कि आप सब हमें सजा देंगे, इसलिए उन्होंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। हार कर मजा तो बहुत आया होगा तुम्हें, नहीं? मेहनत की तुमने हमें और गुड्डी को दादाजी की नजरों में गिराने की, पर हुआ क्या? वही जो हम चाहते थे। लखन रुक जा बेटा, रुक जा। रोकना तो तब चाहिए था बड़की अम्मा, जब हमने पहली बार पूनम को सजा दिया था। तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इतना ही पछतावा हो रहा है ना, तो प्रायश्चित कर लो बेटा। पूनम जैसी पत्नी नसीब वालों को मिलती है, उसे इतना प्यार दो कि वो अपना सारा दर्द भूल जाएगी। और आज जाकर भी लाखन को तुम पर गोली चलाने से रोक नहीं पाया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। एक बात और, कल रात हम डोल्ट के पीछे गए थे और उसे जीप से लौटते हुए भी देखा। फिर ये दूसरा लड़का कौन है जिसे गुड्डी मिली? सच ये है कि हमें अपने रिश्तों की सीमा में रहना चाहिए देवर जी।